हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे CGPSC मेंस बैच में। आज हम लोग सोशियोलॉजी के आगे का टॉपिक को देखेंगे। हम लोग कल देखे थे सोशियोलॉजी का मीनिंग और नेचर के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि सोशियोलॉजी का मीनिंग का मतलब क्या होता है। सोशियोलॉजी दो टर्म से बन के मिला है, सोशियस लैटिन वर्ड है और लॉगस क्या है, ग्रीक वर्ड है। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। हमने कल इसका मीनिंग देखा था और हमने कल देखा था स्कोप, देखा था कौन कौन से सोशियोलॉजी के स्कोप है। आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी के नेचर, उसका प्रकृति कैसा होता है और उसका क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो देखो दोस्तों कि हम लोग कल देखे थे सोशियोलॉजी का स्कोप देखे थे। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है उसमें हम लोग देखे थे दो सेक्टर, एक फॉर्मेटिव सेक्टर देखे थे और एक कोऑर्डिनेटेड सेक्टर देखे थे। फॉर्मेटिव सेक्ट के सपोर्टर कौन कौन है, जॉर्ज साइमन है, वीरा कांत है, मैक्स वेबर है और टेनिस है। ये चार लोग किसके सपोर्टर है, फॉर्मेटिव सेक्ट के सपोर्टर है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटेड सेक्ट है, फॉर्मेटिव सेक्ट मतलब कौन सा बताया था, स्पेशलाइज्ड सेक्ट, स्पेशलाइज्ड स्कूल। और जो कोऑर्डिनेटेड सेक्ट है उसको क्या बोले थे, सिंथेटिक स्कूल। इसमें फॉर्मल फॉर्मल चीजों को लेके चल रहे थे, जैसे कि फॉर्मल चीज मतलब खाली सोशियोलॉजी पर फोकस किया जाता है इसमें, मतलब सब्जेक्ट पर ही फोकस किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको लिंक करके नहीं पढ़ा जाता, इसमें कुछ कुछ रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। इसका स्कोप बहुत कम होता है, इसका नाम नैरो स्कोप है। इसका स्कोप फॉर्मेटिव सेट का क्या होता है, नैरो स्कोप होता है। लेकिन कोऑर्डिनेटेड सेट इसमें हम लोग दुनियादारी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड सेक्ट में। इसके सपोर्टर कौन है, सोरोकिन है, दुर्खिम है, गिन्सबर्ग है, हॉबहाउस है। कौन कौन, सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस एंड गिन्सबर्ग, ये सब किसके सपोर्टर है, कोऑर्डिनेटेड सेक्ट है। इसका स्कोप क्या होगा, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी के अलावा अदर साइंस भी इंक्लूडेड है, सोशियोलॉजी के अलावा अदर साइंस भी क्या है, इंक्लूडेड है। इसलिए इसका स्कोप क्या होता है, वाइड स्कोप होता है, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। तो देखिए दो है, इसको अगर आप डिफरेंशिएटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, फॉर्मेटिव सेक्ट और कोऑर्डिनेटेड सेक्ट। क्या है सबसे पहले, जो स्कोप इसका क्या है, बहुत नैरो है। इसका स्कोप क्या है, बहुत वाइड है, ठीक है, पैरा रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें खाली सोशियोलॉजी पर फोकस किया जा सकता है, फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट, फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशंस। इसमें फोकस किस पे किया जाता है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जितने भी सोशल रिलेशनशिप पे फंक्शन फोकस कर दिया जाता है, जितने भी सोशल रिलेशनशिप है सभी को इसके अंदर लिया जाता है कोऑर्डिनेटेड सेट में। इसका दूसरा नाम क्या बताया, सिंथेटिक सेट, सिंथेटिक स्कूल। और ये तुम्हारा कौन सा स्कूल के अंदर आता है, स्पेशलाइज्ड स्कूल के अंदर आता है, स्पेशलाइज्ड स्कूल के अंदर आता है। और ये आता है तुम्हारा सिंथेटिक स्कूल के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो ये था स्कोप। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी। देखो दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है आज नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी का प्रकृति कैसे होता है, इसका नेचर कैसा होता है सोशियोलॉजी का। क्यों, इंग्लिश मीडियम वाले को छात्रों को प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाता, तो मैं उतनी ही नोट्स दूंगा जितने मेंस में लिखा जाने के लिए जरूरत होता है। ज्यादा ज्यादा आपको तीन से मतलब ज्यादा ज्यादा 6 से 7 लाइन लिखना पड़ेगा। तो उसको शॉर्ट वे में किस तरह से आप लिखेंगे,
नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को वो देखिए। सबसे पहले सोशियोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है तुम्हारा? एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी इज द इंडिपेंडेंट साइंस। देखो सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस क्यों बोल रहे हो? क्या रीजन है कि सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस बोलते हैं? सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अलग एक सब्जेक्ट है, इसको अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि इंडिपेंडेंट साइंस इसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट, डिपेंड ऑन द ऑन इट्स सब्जेक्ट, डिपेंड ऑन इट्स सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर पर इट डज नॉट डिपेंड, क्योंकि ये अलग जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसको इसमें नहीं पढ़ा जाता। इसको क्या करते, क्या को अवॉइड किया जाता है इसमें, इसमें क्या नहीं पढ़ाया जाता? हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता, पॉलिटी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए सोशियोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है। इसमें हम लोग जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसी को ही पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट को इसमें नहीं पढ़ा जाता, इसलिए सोशियोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखो सोशियोलॉजी क्या है, दूसरा नंबर क्या है, सोशियोलॉजी एक सोशल सामाजिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, नॉट द फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी एक फिजिकल सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन करना पड़ता है, समाज का अध्ययन करना पड़ता है, मतलब इससे हमको खाली नॉलेज ही मिल रहा है, और मतलब इसमें समाज में जो प्रक्रिया चल रही है, समाज के जो तौर तरीके है, उसका अध्ययन किया जाता है सोशियोलॉजी में। ये एक फिजिकल साइंस नहीं है। देखो फिजिकल मतलब, फिजिकल साइंस मतलब हम लोग जैसे पानी से बन रहा है भाप, ये क्या है तुम्हारा, फिनोमिनन है, इवोपरेशन। इवोपरेशन बोलते हैं जैसे वाटर हीट होता है, वाटर इज हीटेड एंड टू बिकम ए वेपर, दैट इज नोन एज इवोपरेशन। अब इवोपरेशन का जो फिनोमिनन है वो हम लोग सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ा जाता। फिजिकल साइंस में क्या किया जाता है, जो भी फिनोमिनन होता है, सर फिनोमिनन होता है जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी से भाप बनना, वो फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में हम खाली सोशल साइंस को पढ़ा जाता है, इसमें जो फिनोमिनन है उसको नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो सोशियोलॉजी जो है वो रिलेशनल और इंपेरिकल होता है। सोशियोलॉजी इज द रेशनल एंड इंपेरिकल साइंस। देखो सबसे पहले एक एक एग्जांपल भी देखते हैं कि किस तरह से आप याद रखोगे। सबसे पहले तो ऐसा समझ जाओ कि देखो ये सोशियोलॉजी क्या है, रेशनल साइंस है और इंपेरिकल साइंस है। रेशनल मतलब जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सोशियोलॉजी को रेशनल में कैसे स्टडी कर सकते हैं, जैसे साहू लोग जो देवी होते हैं वो क्या होते हैं, साहू होते हैं। जो कुर्मी होते हैं वो क्या लिखते हैं, वर्मा सरनेम लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम देखो जो लोहा का काम करने वाले हैं उनको अगरिया बोल रहे हैं, मतलब समाज को अलग अलग समाज है, राव समाज, ठीक है, साहू समाज। तो ये समाज किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, हम लोग मतलब उस काम को, वो समाज किस तरीके से काम करता है उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं। जैसे चार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो इस समाज को किस आधार पर, कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ये रेशनल हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बेस्ड ऑन द नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक लगा के। जैसे कोई बंदा आया बोला कि मैं मिट्टी का काम करता हूँ, मिट्टी से घड़ा बनाता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कुम्हार बोलूंगा। इस तरीके से हम अपना लॉजिक लगा के, कोई लोहा का काम करता है तो मैं समझ जाऊंगा हाँ ये अगरिया जनजाति का है, ठीक है। जैसे कोई
खेती बाड़ी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अलग अलग जाति जैसे पक्षी वाले हैं, मतलब अलग अलग, जैसे आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ा है, छत्तीसगढ़ के जनजाति में, तो कार्य के आधार पर क्या है, उनको जाति को बांटा गया है। उसी आधार पर वही बता रहा है कि सोशियोलॉजी क्या है, रैशनल साइंस है, रैशनल और इंपेरिकल साइंस है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर समाज को अलग अलग भागों में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी। इसके अलावा देखो तीन पॉइंट आप अच्छा लिख सकते हो, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसको अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, हिस्ट्री पॉलिटी के साथ नहीं पढ़ा जाता। दूसरा क्या है, सोशियोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान है, इसमें हम लोग कैसे हुआ, बाप कैसे बना, बेटा कैसे बना, बुआ कैसे बनी, उसका फिनोमिनन नहीं पढ़ना है हमको। इसमें फिजिकल, क्योंकि ये फिजिकल साइंस नहीं है कि हमको फिनोमिनन वो हुआ कैसे उसको नहीं पढ़ना है, हमको समाज के बारे में पढ़ना है। इसीलिए क्या है, सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है, रेशनल और इंपेरिकल साइंस है। इसमें हम लोग कार्य के आधार पर समाज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। आगे देखो सोशियोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है, इट इज नॉट एन अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है, इट इज नॉट एन अप्लाइड साइंस। इसका मतलब क्या है, देखो देखो सोशियोलॉजी को क्या बोला गया है, प्योर साइंस बोला गया है। सोशियोलॉजी को प्योर साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि प्योर साइंस का मतलब क्या होता है, इसमें हम खाली नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो प्योर साइंस मतलब हम लोग कौन सा समाज क्या करता है, ब्राह्मण समाज पूजा करवाता है, क्षत्रिय समाज युद्ध लड़ाई करता है, पहले जमाने में इस तरीके से डिवाइडेड था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज के बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जनजाति है, अबूझमाड़ की जनजाति नारायणपुर में रहती है, अबूझमाड़ में घोटूल है, तो इस तरह का हम लोग को नॉलेज बस जान सकते हैं। उसको अप्लाई क्या करोगे समाज के बारे में, चलो कहीं कहीं बहुत जगह एप्लीकेशन भी है, लेकिन हम लोग एक ये है कि समाज ये क्या है, प्योर साइंस है। इसमें हम खाली नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये खाली हम इससे अपना ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस है, नॉट स्पेसिफिक साइंस और नॉट स्पेशलाइज्ड साइंस। देखो सोशियोलॉजी क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य मतलब जो भी समाज में रहता है उसको तौर तरीके सीखता है उसको, मतलब मेनली क्या है, ये जनरल साइंस है कि कॉमन चीज है जो नॉर्मली कोई भी पर्सन जान सकता है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, एक जनरल साइंस है, एक स्पेसिफिक साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये पांच पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से अध्ययन कर सकते हो। पांच पॉइंट को आप लिखिए कि ये जनरल साइंस है, ठीक है, ये प्योर एंड प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस। सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, देखो सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस देखते हैं। सामाजिक सोशियोलॉजी पढ़ने का क्या वो है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखो सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी पढ़ने का, समाज का अध्ययन करके कौन क्या फायदा है, ये हमको देखना है। ठीक है, मतलब इसका उपयोगिता क्या है, समाज सोशियोलॉजी पढ़ने से फायदा क्या क्या होता है। देखो हम लोग सोशियोलॉजी अगर पढ़ लिए, समाज को हम साइंटिफिक वे में स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टडी द
सोसाइटी इन द साइंटिफिक वे, हम लोग समाज को साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, सोशियोलॉजी के दम पर आज देखो जो भी कल्चर है, कल्चर जो है जैसे हमारा बस्तर का कल्चर हो गया, हमारा अबूझमाड़ का कल्चर हो गया, ये सब हमको क्या दर्शाता है, उससे हमको समाज से क्या मिलता है। देखो जो अंग्रेज लोग हमारे से, अंग्रेज लोग जाके डिस्को चालू किए ना, वहाँ जाके डिस्को चालू किए, मतलब डिस्को जाके डांस करते थे, वहाँ वो करते थे, मतलब डिस्को चालू किए, ये चुराया गया कहाँ से, नारायणपुर के अबूझमाड़ से। जो घोटुल है वहाँ क्या है, शाम के सब इकट्ठा होते हैं, अपने समाज के बारे में, कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ का चीज कहाँ जा रहा है, बाहर लोग अप्लाई कर लिए, लेकिन हम लोग क्या अप्लाई किए हैं, हम लोग क्या अच्छे से वो किए हैं, इसलिए समाज से हमको क्या सीखने को मिलता है, हमारा जो कल्चर है वो कहाँ से सीखने को मिला, हमको कैसे पता चला कि दिवाली के दिन दिया जलाना है, हमको समाज आजकल देखिए सब दिया जला रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, इससे हमको क्या पता चला, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर को मेंटेन करने के लिए, इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कल्चर, मेंटेनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, क्योंकि कल्चर का प्रिजर्वेशन बहुत नेसेसरी है। कल्चर का प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, सोशियोलॉजी समाज से ही तो हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है, कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरीके से समाज में कल्चर को अपन मेंटेन कर सकते हैं। देखो समाज का अगर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, उसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, religious conflicts and national conflicts। देखो किस तरीके से हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम, अपने रिलीजियस, आजकल देखो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो रहा है, अगर हम अच्छा से समाज को अध्ययन करें, ठीक है, जैसे आजकल बस्तर में ही देख रहे हो चेंज कर परिवर्तन, जैसे क्रिश्चियन का कन्वर्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखो सीधा सीधा ये है कि किस तरीके से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। देखो अगर हमको पता है, अगर हम समाज को अध्ययन किए, तो हमको जैसे पता है कि मुसलमानों में सुअर क्या है, सुअर अछूत है, मतलब उनके लिए अछूत है, तो हमको उस एरिया में, जैसे अगर कोई समाज है, जैसे हम कोई योजना चालू कर रहे हैं, जैसे सुअर पालन का किसान का योजना आ गया, अगर एक क्षेत्र में मुसलमान एरिया है इस एरिया में, तो वहाँ के आसपास सुअर पालन ना करें तो बेटर है कि कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाए, ठीक है। उसी तरीके से मतलब समाज का अध्ययन करके हम क्या है, लड़ाइयों को रोक सकते हैं। अब जैसे अलग 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 एरिया का प्रॉब्लम है, जैसे इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है वो एरिया की वजह से चल रहा है, तो समाज का अध्ययन करके हम कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम समाज का अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, जो मार्जिनल पीपल है, उसको उसका वेलफेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको नहीं पता रहता कि अबूझमाड़ के एरिया थोड़ा पिछड़ी जनजाति है, अगर सरकार को नहीं पता रहता कि कौन से पिछड़ी जनजाति है, अभी आजकल पिछड़ी जनजाति को विशेष उसको कुछ ना कुछ फायदा हो गया, तो वो विशेष जो प्रावधान बनाया गया है उस पर्टिकुलर जातियों के लिए, जैसे अबूझमाड़ हो गया, पिछड़ी जनजाति, वो समाज का अगर हम लोग अध्ययन नहीं किए रहते, तो उसके बारे में बता ही नहीं रहते, तो क्या हम आगे समाज हम उसका वेलफेयर कर पाते, नहीं कर पाते। तो इट इज द प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल, वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल एंड मार्जिनल पीपल्स।
मार्जिनल मतलब एवरेज, जो मध्यम वर्गीय है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने सोशल सोसाइटी में जो भी मॉडर्न चीज चल रही है उसके लिए अपडेट हो सकते हैं। कि जैसे कि अगर हमारा समाज बहुत जागरूक समाज है, ठीक है, तो बाहर जाने के लिए क्या यूज करेगा, शौचालय का उपयोग करेगा, ठीक है। अगर हमारा समाज ही शौचालय का उपयोग नहीं बंद कर देगा, बाहर जाके शौच करेगा तो गंदगी फैलेगा। तो उस समाज, अगर अगर हमारा समाज सही होगा, समाज सही होगा तो वहाँ के लोग भी सही होंगे। समाज क्या है, लोगों के ऊपर कंट्रोल क्रिएट करता है। तो सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। समाज अगर जैसा होगा, ठीक है, वहां क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, उस क्राइम का मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका जड़ क्या है, उसको ढूंढने कहां से ढूंढ सकते हैं, सोशियोलॉजी का अध्ययन करके हम लोग उस प्रॉब्लम, क्राइम के प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। फिर सातवां क्या है कि अपडेट करता है सोशियोलॉजी, क्या करता है, इट कीप अपडेटेड ऑन द मॉडर्न सोसाइटी, कीप अपडेटेड ऑन द मॉडर्न सोसाइटी। ये मॉडर्न सोसाइटी में हमको क्या करता है, अपडेट रखता है। मॉडर्न सोसाइटी में कैसे, 5G आया, लोगों को पता चल गया, धीरे 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 समाज में पूरा फैल जाएगा। एप्पल का कोई नया मोबाइल आता है, यूट्यूब में आ जाता है। आजकल देखो गांव गांव में टिकटॉक, पहले टिकटॉक किसी मोबाइल चला नहीं आता था, आजकल टिकटॉक से क्या हो गया, सबके सबको क्या हो गया है, सबको इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी के मदद से इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाता है। जैसे डांस, समाज का अध्ययन अच्छे से किए हैं, अगर वहाँ नाचने उचने वाले अच्छे लोग हैं, उसको हम कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो सोशियोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसके साथ हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।